hello everyone my name is rajni singh welcome you all in another video of accountancy for class 11 this is part 5 in this video we will know meaning of bookkeeping meaning of accounting and meaning of accountancy so let's start with the definition of bookkeeping बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय जे आर बैटली बॉय सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुककीपिंग बुककीपिंग एक आर्ट है एक स्किल है एक कला है किस चीज की बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करने की बिजनेस के अंदर हुए सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की सेट ऑफ बुक्स सेट ऑफ बुक्स मीन जनरल और सब्सिडरी बुक ऑफ द बिजनेस सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग द ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग क्या करती है सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती है ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल और नॉट इट मे बी इन कैश और क्रेडिट ये कैश में भी हो सकती है क्रेडिट में भी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट यह है इट मस्ट बी फाइनेंशियल इन नेचर ये नेचर में फाइनेंशियल होनी चाहिए इसका नेचर फाइनेंशियल होना होना चाहिए होना चाहिए कैश में नाउ मेजरिंग द ट्रांजेक्शन उस ट्रांजेक्शन को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी देन रिकॉर्डिंग फिर उसको जनरल और बिजनेस के सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना बहुत सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं जैसे कि आप गुड्स परचेज करते हो सेल करते हो अपने बिजनेस के अंदर अपने स्टाफ को वेजेस पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में और बुक के सब्सिडरी और बिजनेस के सब्सिडरी बुक में देन वी क्लासीफाई इट फिर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम क्लासीफाई करते हैं लेजर के अंदर पोस्ट करके बुक कीपिंग इज द बेसिक इन नेचर बुक कीपिंग बहुत बेसिक है नेचर में इसको इसके अंदर काउंटिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है इसे कोई भी कॉमन पीपल भी कर सकता है सपोज डेट किसी के किसी का पान का दुकान है वो बंदा भी इसको इजीली कर सकता है इसमें बहुत ज़्यादा रूल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की जरूरत नहीं होती है नाउ कम टू द अकाउंटिंग लेट्स स्टार्ट इट विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिज़नेस। द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दिज ट्रांजेक्शन टू इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं दैन फर्दर हम उसको समराइज़ करते हैं एनालाइज करते हैं देन रिपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टीज़ को समराइज़ कैसे करते हैं पीएल अकाउंट बना के एनालाइज़ कैसे करते हैं बैलेंस शीट बनाकर और रिपोर्ट करते हैं अपने बिज़नेस के इंटरेस्टेड पार्टीज़ को यानी हम अपने बिजनेस के मैनेजमेंट टीम को सारे काउंटिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं कि वो अब हमारे बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाए देन हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबको हम ये ज प्रोवाइड करते हैं देन अकाउंटिंग इंक्लूड सेवन स्टेप्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन मेजरिंग द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस सो वी कैन से डेट आफ्टर आई एम आर सी आफ्टर Identifying, measuring, recording, classifying, we do in accounting summarizing, analyzing, and communicating. After these four steps, we add these three steps in accounting. So, after identifying, measuring, recording, and classifying, in accounting we add summarizing, analyzing, and classifying. So,

अकाउंटेंसी कहती है जब हम अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के सारे थियोरी और प्रैक्टिसेस को ऐड कर देते हैं तब वो अकाउंटेंसी बनती है इट मींस जब हम बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है देन जब हम उसे मेज़र करते हैं उसके मॉनेटरी वैल्यू को मेज़र करते हैं फिर हम बिजनेस के जनरल और सब्सिडरी बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं फिर जब हम उसे क्लासीफाई करते हैं लेज़र अकाउंट में डाल के देन फिर हम समराइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के फिर हम एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट बना के और हम कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर को यहाँ तक ये यह हमारी अकाउंटिंग है बट जब इस अकाउंटिंग में हम इस अकाउंटिंग के सिस्टमैटिक नॉलेज को ऐड करते हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज को जब हम ऐड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर के सारे रूल्स प्रिंसिपल्स को जब हम ऐड करते हैं सारे टेक्निक्स को जब हम ऐड करते हैं ये सारे मिलके बनते हैं अकाउंटेंसी सो इन शॉर्ट वी कैन से डैड द सेवन स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्लस ऑल रूल्स प्रिंसिपल्स and techniques of accounting makes accountancy so these seven steps plus systematic knowledge of accounting it means all rules principle and techniques makes accountancy i hope through this video you are able to understand the basic difference between bookkeeping accounting and accountancy if you like this video then like subscribe and hit the bell icon thank you